गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम जिंजर से हमने चेकआउट कर लिया है, आज कोल्हापुर के लिए जा रहे हैं। उससे नेक्स्ट डे हम गोवा पहुंच जाएंगे। तो अभी हमने चेकआउट करके हम निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दूं कि एक तो मैं आपको बता दूं, अगर वापी में कोई स्टे करना चाहता है तो यहाँ जिंजर में रुक सकता है। काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है, फूड क्वालिटी भी बेटर है। फूड क्वालिटी के ऑप्शन आपके पास बाहर भी बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का फूड अवेलेबल है मार्केट में। गुजराती फूड स्पेशली काफ़ी अच्छा है, यहाँ टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं वापी के लिए। तो मनीष, कब तक हम पहुँच पाएंगे वापी? वापी से निकले हैं, सॉरी, हाँ तो कोल्हापुर के लिए। बिल्कुल जनक, अभी हम वापी से निकल रहे हैं, चेकआउट हो गया अपना, तो अपना स्टे रहेगा बीच में। अभी एक बार अपने एक हॉल्ट लेंगे, लंच करेंगे वहाँ पे। लंच कहाँ करेंगे? वो अपने जस्ट लोनावला से थोड़ा पहले। अच्छा, ठीक। और उसके बाद में अपने कोल्हापुर पहुँच जाएंगे, करीबन यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है वापी से। अच्छा, बाकी ओवरऑल गुड है, रोड्स आर वेरी गुड। तो रात का स्टे कैसा रहा? रात का स्टे काफ़ी अच्छा रहा है, जिंजर होटल काफ़ी अच्छा होटल है। अच्छा, रुकने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वापी में ये। ओके, और फूड भी ठीक है, आपने रात को डिनर किया है बाहर, अच्छा फूड है, गुजराती फूड अच्छा फूड है, गुड। तो निकल रहे हैं हम, फिर मिलते हैं आपको बाद में। सो गाइस, फाइनली बॉम्बे पहुंच गए हैं। अभी नवी मुंबई में एंट्री ले ली हमने, तो अभी यहाँ हमारा कोई स्टे नहीं है। वापस आते टाइम हम यहाँ बॉम्बे में स्टे लेंगे। अब तो सीधा यहाँ से क्रॉस करके सीधा पुणे के लिए निकलेंगे। पुणे के बाद आज प्लान है, जैसा मैंने आपको बताया, कि कोल्हापुर स्टे करें। सो चाहे बॉम्बे के आउटर से जा रहे हैं, बट फील काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मुंबई आए हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है। सुना है काफ़ी ट्रैफिक भी मिलता है यहाँ, एक बार ट्रैफिक वगैरह सब क्रॉस कर लें, फिर मिलते हैं आपको यहाँ से बाहर निकल के। सो गाइज, यहाँ पे थोड़ा प्लान चेंज हो गया है। पहले महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल फूड था वो खाने का प्लान था, पर फिर सब ने चेंज कर दिया कि अभी अपने ढाबे पे खाएंगे। तो ट्रक टर्मिनल करके यहाँ पे रास्ता ढाबा है, तो देखते हैं। एक्चुअल में क्या है कि स्पाइसी फूड खाने का मन था, तो अब देखते हैं कि इनके ढाबे वालों का जो है फूड कैसा रहता है। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर वगैरह कर देते हैं। तो भाई
गाइस लंच हमारा हो गया, अभी मैं स्टारबक्स आ गया था, यहाँ पे एक कॉफ़ी ले लेते हैं, फिर कॉफ़ी रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सीनिक व्यू अभी भी आने वाले हैं। पीछे भी लोनावला में भी काफ़ी सीनिक व्यू आए थे, बट जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इस पर सीनिक व्यू बहुत हैं, तो आगे भी काफ़ी व्यू हमें देखने को मिलने वाले हैं। भी अपना कंप्लीट कर लिया और अब सीधा कोल्हापुर के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते की आप ब्यूटी देख रहे हो, मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे है वो बहुत ही शानदार चीज़ है, तो आपको बहुत इस पे सीनिक व्यू मिलेंगे। लोनावला के पास आपको बहुत अच्छा सीनिक व्यू मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो उसके बाद लोनावला अगर आप क्रॉस कर लेते हो उसके बाद भी इसमें बहुत सारी टनल्स आएंगी, और मतलब कहने का ये है कि काफ़ी सीनिक रास्ता है ये, आपको इस पे आप एक भी मिनट आप यहाँ पे बोर नहीं होगे, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही रहेगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा रास्ता है ये। तो अब हमने थोड़ा सा एक प्लान में चेंज कर दिया है कि अभी हम कोल्हापुर स्टे नहीं करने वाले, अब हम कराड स्टे करेंगे, क्योंकि कोल्हापुर में कोई हमें अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, इसलिए हमने प्लान चेंज करके कराड में स्टे करने का मन बनाया है। तो वहाँ एक पंकज एग्जीक्यूटिव के नाम से है, तो उसकी बुकिंग वगैरह तो वहाँ जाके ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ और ना निकल जाए, क्योंकि बहुत बार होटल्स वगैरह बुक कर देते हैं बट जाने के बाद कुछ और ही निकल जाता है, तो वहाँ जाके बुक करेंगे। अभी फाइनली पहुँच गए हम पुणे, तो पुणे को थोड़ा सा आउट से निकल रहे हैं, तो वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे पुणे बॉम्बे दो ये बड़ी सिटीज़ हमारी ट्रिप में आने वाली थी और पहले हमने क्रॉस कर लिया, अब पुणे पहुँच गए हैं। पुणे भी देखने में बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट आते टाइम यहाँ पे स्टे करेंगे। अब हम कराड पहुंचने वाले हैं, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, और रोड साइड ब्यूटी है वो बहुत ही शानदार है, टिपिकल महाराष्ट्र वाली है, आसपास जो है खेत है शुगर केन के और फार्मर अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपने वहाँ हरियाणा पंजाब में ऐसी चीज़ें होती है। तो अभी 10 मिनट में होटल पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको मिलता हूँ और वहाँ का सारा रिव्यू मैं आपको देता हूँ। सो गाइज़ मैं होटल पहुंच गया हूं, तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि होटल जो है वो बिल्कुल जो बेंगलुरु पुणे हाईवे है उसके ऊपर ही है, तो आपको कहीं सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आज ये रही कि हमने जो प्लान चेंज किया था वो हमारा सक्सेसफुल रहा, पहले हमें ऐसे लग रहा था कि प्लान चेंज करके कहीं हम फंस ना जाएं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, और जो थर्ड डे है उसका हम स्टे ले रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे लगेज वगैरह हैं वो रूम में जा रहे हैं, और ये देखिए यूनिवर्स बॉस हैं ये ट्रिप के, ये निकल रहे हैं सबसे लास्ट में निकले, तो आइए एक बार मैं आपको छोटा सा जो रूम टूर है वो करवा देता हूँ। तो ये हमारे दोनों रूम, एक ये वाला है, इस पर ग्रीवी अभी रेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है रूम, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, नई कंस्ट्रक्शन हुई हुई है अभी, इस साइड ये सीनरी वगैरह इन्होंने दे रखी है, एक चेयर है और उस साइड कॉफ़ी मेकर वगैरह है, और ये टीवी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो इसका बाथरूम है वो मैं आपको दिखा दूँ, इसमें लाइट ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस साइड भी आप देख सकते हो बकेट वगैरह पड़ी हुई है, और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी शानदार है, और ये विंडो है, और ये एक बाहर का गेट, इसमें देखते हैं, हाँ ये आउटसाइड व्यू है, ये इनका रेस्टोरेंट है, इनके रेस्टोरेंट का व्यू है, रेस्टोरेंट काफ़ी शानदार है, फूड क्वालिटी तो अभी इसकी चेक करेंगे तो पता चलेगी। हाँ मनीष ठीक है बिल्कुल, तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, रूम तो ओवरऑल बिल्कुल है ही अच्छा। मोहित कैसा फील हो रहा है? बढ़िया बिल्कुल, अच्छा लग रहा है पूरा? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र के कराड़ करड़ शायद करड़ करड़, हाँ
वहाँ पे होटल ही है, होटल पैराडाइज, क्या नाम है पंकज, पंकज सॉरी होटल पंकज में स्टे करें, काफ़ी अच्छा है, रेस्टोरेंट वगैरह नीट एंड क्लीन, रूम्स वगैरह भी अच्छी हैं, पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पार्किंग फैसिलिटी ऑन रोड है हाईवे पे, वो सामने मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ऑन रोड है ये होटल और पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर है, फूड क्वालिटी वगैरह ब्रेकफास्ट जो है वो तो आपको मॉर्निंग में बताऊंगा, तो एक बार दूसरा रूम भी आपको दिखा दूं, ये जो है ये हमारा दूसरा रूम है, ये ट्विन बेडरूम है, ये भी काफ़ी अच्छा है, सेम वो ये इसमें भी व्यू सेम है, वॉशरूम सेम है, आउटसाइड व्यू भी रेस्टोरेंट की साइड है इसका, ये जो गेट है ये रेस्टोरेंट की तरफ खुलता है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा होटल है। अगर आप गोवा बाय रोड जा रहे हो, कोल्हापुर से आप पहले रुकना चाहते हो, तो यहाँ आप अच्छे से स्टे कर सकते हो, क्योंकि कोल्हापुर में मैंने काफ़ी सर्च किया था, वहाँ मुझे ऐसा कोई होटल मिला नहीं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा हो, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा कोल्हापुर से पहले ही अगर हमें रोड पे कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी तो वहाँ रुकने का हम सोचेंगे, तो काफ़ी अच्छा है ये होटल। ये बॉयज़ चिल मोड में आ गए हैं सारे, आज काफ़ी थके हुए हैं सारे के सारे, आज का जो हमारा सफ़र था काफ़ी थकाने वाला था। मनीष आज टायर्ड हो काफ़ी, आज थोड़ी सी महसूस हो रही है थकान सी, एक्चुअली कुछ तो क्या है कि 3 दिन हो गए लगातार हर डे ट्रैवलिंग करते हुए, बट थोड़ा कल गोवा जाके रिलैक्स होंगे, कल तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कल तो बिल्कुल। ग्रीवर आप क्या बोलोगे यार, आप काफ़ी टायर्ड लग रहे हो मुझे, बीयर्स का वेट कर रहे हो फिर तो टायर्ड नहीं हो गया चिल मैन चिल। तो ये भाई नवेद होटल थाली के लिए फेमस सुना है, तो इसके अंदर जा रहे हैं, अब जाके आपको बताएंगे किस प्रकार का फूड है, तो जो भी रिव्यू होगा आपको जरूर बताएंगे। किसने सजेस्ट किया था अपने को, ये करड़ में एक मेरा फ्रेंड है, अच्छा उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप वहाँ पे एक बार जरूर डिनर करना, अच्छा काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं खाने में क्या मिलता है फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो काफी अच्छा बना हुआ है। डिनर हमारा कंप्लीट हो चुका है, नवेद बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप अगर यहाँ कराड़ में स्टे कर रहे हो तो यहाँ ज़रूर आप लंच या डिनर करें, बहुत अच्छा आपको खाना मिलने वाला है, प्रॉपर महाराष्ट्र का देसी फूड आपको मिलेगा, और मीठे में हमें गुलाब जामुन मिले, जिसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मनीष ने 12 से 13 खा लिए, अब देखो उसकी रात कैसे निकलेगी। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग हो रहा है यहीं एंड, कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।